बहुत स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं आपके साथ तहसीन फातिमा। आइए खबरों की ओर बढ़ते हैं। यूपी में कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई। मुख्य सचिव आर के तिवारी ने गाइडलाइन जारी की है। सुबह 7 से रात 9 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी, बाजार खुले रहेंगे। यूपी में शनिवार और रविवार साप्ताहिक बंदी रहेगी। सभी जगहों पर कोविड हेल्प डेस्क होना जरूरी है। सोमवार से शुक्रवार तक मॉल्स खोलने की अनुमति है। 50% क्षमता के साथ खुलेंगे मॉल, रेस्टोरेंट, पार्क, स्ट्रीट फूड आदि के संचालन की भी अनुमति है। दुकानों में बैठकर और खड़े होकर खाने की अनुमति नहीं है। शादी समारोह में 50 से ज्यादा लोगों को अनुमति नहीं है। तो कोरोना की नई गाइडलाइन जारी की गई है। सुबह 7 बजे से शाम रात 9 बजे तक खुला रहेगा सभी चीज, और ऐसे में उसके बाद पाबंदियां रहेंगी। यूपी में कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई है। मुख्य सचिव आर के तिवारी ने नई गाइडलाइन जारी की है। सुबह 7 से रात 9 बजे तक दुकानें बाजार खुले रहेंगे। यूपी में शनिवार और रविवार साप्ताहिक बंदी रहेगी। तो यूपी में कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई। मुख्य सचिव आर के तिवारी ने जारी की गाइडलाइन। सुबह 7 से रात 9 बजे तक दुकान और बाजार खुले। तो देश भर में गंगा दशहरा की धूम है, और ऐसे में गंगा दशहरा के दिन स्नान और दान करने का विशेष महत्व है। हरिद्वार में गंगा दशहरा का स्नान पर्व रद्द कर दिया गया। ऐसे में पाबंदी के बावजूद भीड़ उमड़ी हुई है। हरिद्वार में गंगा दशहरा रद्द कर दिया गया है, स्नान को रद्द कर दिया गया, बावजूद इसके पाबंदियों के बावजूद भी भीड़ उमड़ी हुई है। गंगा दशहरा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:50 था, और ऐसे में आपको बता दें कि यहां पर पाबंदियां लगा दी गई थी ताकि गंगा में आकर डुबकी ना लगाएं। ये ऋषिकेश की तस्वीर आपके सामने है। झमाझम बारिश हो रही है, ऐसे में यहाँ पर पाबंदियाँ लगाई गई हैं। कोई भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचकर स्नान नहीं कर सकता है क्योंकि कोरोना काल है। इसके मद्देनज़र भी ये फैसला लिया गया है। तो ये दूसरी तस्वीरें हम उत्तर प्रदेश के बनारस की दिखा रहे हैं, वाराणसी की दिखा रहे हैं, जहां पर घाटों पर भारी भीड़ उमड़ी हुई है। कोरोना के प्रोटोकॉल का जरा भी पालन नहीं हो रहा है, ना ही किसी पर चेहरे पर मास्क दिखाई दे रहा है। इस तरीके की पाबंदियां कहीं ना कहीं, इस तरीके की लापरवाही कहीं ना कहीं भारी पड़ सकती है। पाबंदियां लगाई गई हैं कई घाटों पर, लेकिन वाराणसी में ऐसी तस्वीर कहीं से भी देखने को नहीं मिल रही है। लोग पहुंचे हुए हैं, श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं और स्नान कर रहे हैं। ये वाराणसी की तस्वीर आपके सामने है, जहां पर लोग पाबंदियों के बावजूद भी पहुंचे हुए हैं। किसी भी तरीके की कोई भी गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है और सोशल डिस्टेंस का भी पालन नहीं किया जा रहा है। हरिद्वार से सुमित सैनी संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए जानकारी के साथ। सुमित, हरिद्वार से कल से हरिद्वार में झमाझम बरसात हो रही है। हर की पैड़ी को प्रशासन ने बंद किया है। श्रद्धालु आसपास के घाटों में स्नान करने के लिए पहुंच रहे, क्या सोशल डिस्टेंस का पालन कराया जा रहा है? अब बिल्कुल, आज जो गंगा दशहरा का जो पर्व है, इसके लिए पूरे देश के कोने कोने से श्रद्धालु हरिद्वार में पहुंचते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो कोरोना के साय में आज गंगा दशहरा के पर्व को लेकर यहाँ पर पुलिस प्रशासन के द्वारा कोरोना के नियमों का पालन करते हुए यहाँ पर बाहरी प्रदेश से आने वाले लोगों के लिए बाकायदा रोक लगा दी गई थी, और जो गंगा में स्नान करने के लिए बाहरी लोगों के लिए भी पाबंदी लगा दी गई है। बाकायदा बॉर्डर पर RT-PCR के जो नेगेटिव रिपोर्ट लेके आ रहा है उन्हीं को अंदर आने की अनुमति दी जा रही है, और स्नान पर्व को स्थगित कर दिया गया। गंगा सभा के जो कर्मचारी हैं वो भी इसी चीज के लिए इसी को देखते हुए पूरी तरह से मुस्तैद हो रखे हैं, और पुलिस भी चप्पे चप्पे में मुस्तैद है। लेकिन कहीं ना कहीं जो दूसरे घाट हैं, और उस घाटों पर भी लोगों को जिन लोगों को स्नान करना है, जिनको पूजा अर्चना करनी है, वो लोग उन घाटों पर स्नान भी कर रहे हैं। लेकिन पिछले क्योंकि कल से ही लगातार बारिश हो रही है, बारिश के चलते इसका उसका भी असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जो श्रद्धालुगण है, वैसे तो कल
कल से ही यहाँ पर श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए, गंगा दशहरा के लिए यहाँ पर पहुंच चुके थे, लेकिन जो गंगा जो यहाँ पर जो पाबंदी लगाई है, पाबंदी के कारण घर की पौड़ी घाट पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन जो घाट जो ओर घाट है, ओर घाटों पर लोग स्नान भी कर रहे हैं और पूजा अर्चना भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसका असर बारिश की वजह से उस पर भी अभी ऐसा कुछ नहीं दिखाई जा रहा है कि जो काफी मात्रा में भीड़ रहती, क्योंकि यहाँ पर जो गंगा दशहरा के दिन इस कदर भीड़ रहती थी क्योंकि देश के हर कोने से यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचते थे। जी तो ये घाटों तक तो लोग नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन घर में ही रहकर गंगा स्नान के पुण्य प्राप्त कर सकते हैं, क्या क्रिया अपनानी चाहिए? बिल्कुल जो बिल्कुल क्योंकि गंगा क्योंकि जो जो पंडित है, पुरोहित है, उनका भी कहना है अगर जब कहीं पर भी जब इस तरह की कोई पाबंदी लगती है तो गंगा पूजन करने के लिए अपने घर में भी पूजन कर सकते हैं। जो गंगा गंगा जल डालकर भी स्नान किया जा सकता है, क्योंकि गंगा जल का मात्र कुछ हिस्सा गंगा जल का पानी में मिला दिया जाए तो उसको भी गंगा जल के समान ही माना जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस महामारी के चलते कहीं ना कहीं पूरे देश में इस तरह की जो समस्या आई है इस महामारी के चलते कहीं ना कहीं बहुत से जो नियम कानून हैं बहुत उनमें बदलाव आया है, क्योंकि इसको लेकर काफी समय तक हर की पौड़ी को भी बंद कर दिया गया था, तो उस दौरान भी इसी तरह से लोगों ने गंगा पूजन भी किया था। जी चलिए आप बने रहिए, सुजीत पटेल भी हमारे संवाददाता बने हुए हैं इस खबर पर। सुजीत कैसी तस्वीर आप देख पा रहे हैं? जी बताते कि जैसे कोरोना महामारी या संक्रमण को देखते हुए गंगा घाटों पर रोक लगाई गई है, उसके बावजूद भी गंगा घाटों पर सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचते हैं और पुलिस प्रशासन जब इसकी भनक लगती है तो गंगा में आकर जो स्नान कर रहे थे उनको हटाती है, और क्यों ना हो कि जो लगातार जो कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किए हुए थे, लोग मास्क नहीं लगाए हुए थे, जिसको लेकर प्रशासन वहाँ सचेत था, और उसके बाद लोगों को जब पुलिस पहुंची है तो गंगा घाट से लोगों को खाली कराया गया और लगातार सुबह से पुलिस भगा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग गंगा स्नान कर रहे हैं। गंगा दशहरा में कहा जाता है कि गंगा दशहरा पे आप घर पे भी बैठ के गंगा का स्नान करें और एक बाल्टी पानी में चार बूंद गंगा जल डाल दे तो भी गंगा दशहरा का स्नान आपको वही मान होगा जो गंगा घाट पे होता है। जी तो ऐसे में बॉर्डर पर क्या सख्ती के निर्देश जारी किए गए ताकि दूसरे प्रदेशों से आने वाले लोगों की भीड़ पर रोक लगाई जा सके? जी बता दें कि बॉर्डर पे जो है पोर्ट उनको रोक दी है, बाहर से लोग नहीं आए, जो लोकल स्टार्टी है अब उनके लिए पुलिस जगह जगह चप्पे चप्पे लगाई गई है, अब जो लोग अब उसका पालन नहीं कर रहे हैं पुलिस उनका चालान काट रही है, और लगातार ये कारण ये है कि जो लोग मान नहीं रहे थे गंगा में स्नान कर रहे थे अब उनका फोटोग्राफी कराई जा रही है और घाट पे पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। जी ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी। सुमित वही सवाल ये है क्योंकि कोरोना काल अभी भी चल रहा है, कोरोना के मद्देनजर घाटों पर पाबंदियां लगाई गई हैं, अगर पाबंदियों की बात की जाए किन किन लोगों को आने की अनुमति है वहां पर? तो आ सकते हैं लेकिन जो बाहरी प्रदेश से जो आने वाले श्रद्धालु हैं उन पर रोक लगा दी गई है, उनको बॉर्डर पे ही रोका जा रहा है, और कहीं ना कहीं ये कल से ही जो इसके लिए प्रचार भी किया जा रहा था, और जो और जो गंगा स्नान के अलावा कोई क्रियाक्रम के लिए आने वाले लोगों को उनके लिए भी आरटीपीसीआर की जो नेगेटिव रिपोर्ट है वो भी लेकर जो आ रहे हैं तो उनको एंट्री दी जा रही है। कहीं ना कहीं बॉर्डर पे इसके लिए पूरी तरह से सख्ती बढ़ दी गई है, क्योंकि पूरी तरह से जो गंगा पर जो स्नान था जो गंगा दशहरा का स्नान था उसको बाहरी प्रदेश से आने वालों के लिए बिल्कुल पाबंदी लगा दी गई, क्योंकि कोरोना के चलते इस नियम को अपनाना पड़ा, और कहीं ना कहीं जो लोकल जो श्रद्धालु है लोकल श्रद्धालु जो दूसरे घाट है उन पर स्नान कर रहे हैं। चलिए सख्ती देखी जा रही है, पाबंदी की जा रही है, और ऐसे में हम भी अपील करेंगे कि लोग घर पर ही रहकर गंगा दशहरा का पुण्य प्राप्त करें, क्रिया जो है उन्हें क्रिया को अपना कर ऐसे ही पुण्य प्राप्त करें, क्योंकि कोरोना काल में ये पाबंदियां होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सुमित आपका भी शुक्रिया, सुजीत आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आज ये गंगा दशहरा के नाम से जो पर्व जाना जाता है वो हर साल के ज्येष्ठ महीने को शुक्ल पक्ष दशमी तिथि को मनाया जाता है। आज के दिन जहाँ गंगा हो वहाँ जाकर गंगा में स्नान करें, जहाँ गंगा न हो वहाँ नदी वगैरह में स्नान करें, अगर वहाँ भी नदी नाला न हो तो आराम से घर पर एक बाल्टी पानी भर लें, पांच बूंद गंगा जल छोड़कर स्नान करने से गंगा स्नान का ही महत्व प्राप्त होता है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। हरदोई से खबर है, नाबालिग का अपहरण कर गैंगरेप किया गया, दलित के साथ पांच युवकों ने रेप किया है, न्याय के लिए दर दर भटकती पीड़िता के परिजन, मेडिकल
मीडिया के दखल के बाद मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस और गैर जिम्मेदाराना रवैया सामने आया है। तो मीडिया के दखल के बाद मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस का गैर जिम्मेदाराना रवैया सामने आया है। एक नाबालिग के साथ गैंगरेप हुआ है, हरदोई की यह खबर है। सर मेरे साथ बहुत गलत बर्ताव हुआ है। सर मेरे ताऊ के लड़के की शादी थी, तो वहाँ हम लोग दोनों भाई शादी में गए थे और मेरी बहन अकेले घर में थी और मेरे माँ बाप जो हैं, माँ तो है नहीं लेकिन मेरे पापा जी हैं जो वो है सरकार मतलब गाड़ी चलाते हैं, वो घर पे आ नहीं पाते कभी। और मेरी बहन अकेले में थी तो लोग पाँच लोग आए और मेरी बहन को उठा के ले गए और इसके साथ बलात्कार किया। रात भर कई लोग, पाँच लोग थे सर। थाने पर तहरीर दे दी है? हाँ सर, मैंने थाने में रिपोर्ट लिखवा दी है सर। थाना सांडी पुलिस को आज एक व्यक्ति द्वारा यह प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिसमें आरोप लगाया गया कि उसकी 15 वर्षीय बहन के साथ गांव के कुछ लड़कों ने दुराचार किया है। पुलिस को जैसे सूचना मिली, पुलिस ने इसमें तत्काल उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया है तथा विवेचना प्रारंभ की। पाँच जो नामजद आरोपी हैं उसमें तीन को पुलिस ने हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। पीड़िता का मेडिकल कराया जा रहा है। जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। थाना सांडी पुलिस को आज एक व्यक्ति द्वारा यह प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिसमें आरोप लगाया गया कि उसकी 15 वर्षीय बहन के साथ। अंबुज संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गया। अंबुज, नाबालिग का अपहरण किया जाता है, फिर उसके साथ गैंगरेप किया जाता है, नाबालिग अब न्याय के लिए दर दर भटक रही है, पुलिस भी इस पर केस नहीं दर्ज कर रही है। बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा यह पूरा मामला हरदोई जनपद के सांडी कुतवाली क्षेत्र के अंतर्गत का है, जहां पर एक नाबालिग दलित बेटी के साथ पांच दूसरे समुदाय के लोगों ने मिलकर बारी बारी से उसका गैंगरेप किया। उसके बावजूद जब वो घर वापस आती है तो अपने परिजनों को बताती। दरअसल वास्तविकता वहां पे ये थी कि परिवार जो था अपने चचेरी बहन की शादी में पूरा परिवार गया था, घर पे अकेली लड़की थी और उस का फायदा उठाकर आरोपियों ने लड़की का अपहरण करके बारी बारी से गैंगरेप किया। वहीं पीड़ित के भाई का आरोप है कि वह लगातार पांच दिन तक सांडी कुतवाली के चक्कर लगाता रहा, लेकिन उसकी FIR नहीं दर्ज की गई। जब मामला तूल पकड़ता दिखा तो कल SP के निर्देश पर मुकदमा सांडी कुतवाली में दर्ज किया गया और तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल दो जो आरोपी हैं अभी तक फरार चल रहे हैं और पुलिस अभी भी किसी तरीके की सक्रियता नहीं दिखाई दे रही है। हरदोई सांडी पुलिस, मीडिया के दखल के बाद ही मुकदमा दर्ज हुआ है। जी बिल्कुल, जब मीडिया में बातें हुई और आला अधिकारियों का हस्तक्षेप हुआ, उसके बाद ये दिखाया गया कि वहाँ पे कि जो पीड़ित है कई दिनों से स्थानीय लोगों ने भी बताया और जो वहाँ पे संगठन थे, जब उनका तूल पकड़ना हुआ तो उसके बाद हरदोई पुलिस अधीक्षक ने देखा कि मामला अब तो बिगड़ता हुआ जा रहा है, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक के हस्तक्षेप के बाद वहां पर मुकदमा पंजीकृत किया और तमाम वहां पर सिस्टम ऐसे हो गए थे कि जो तूल पकड़ते और दो समुदाय के बीच का ये मामला था, जिसको लेकर वहां काफी गांव में तनाव जैसा उत्पन्न हो गया था, जिसके बाद हरदोई पुलिस सक्रिय हुई और फिर मुकदमा पंजीकृत किया। सबसे बड़ी बात यह देखने को मिलती है कि यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी लगातार नारी शक्ति को सशक्तिकरण को लेकर तमाम बातें करते हैं, लेकिन वहीं हरदोई जो पुलिस है उनके मंसूबों पर पानी बिल्कुल फेरती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल अंबुज, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बरेली से खबर, चकबंदी विवाद में दो दर्जन उपद्रवियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस पर ग्रामीणों ने किया था हमला। थाना अध्यक्ष समेत तीन पुलिस कर्मी घायल हुए थे। हरचंदपुर थाना क्षेत्र के कमंगलपुर गाँव की घटना है। रायबरेली पुलिस टीम पर हमले का मामला, पुलिस ने दो दर्जन उपद्रवियों को हिरासत में लिया है। कल चकबंदी करने गई टीम का ग्रामीणों नाव किया था विरोध। बीच बचाव करने पहुंची पुलिस पर उपद्रवियों ने ईंट से हमला किया था। थाना अध्यक्ष हरचंद्रपुर राकेश सिंह समेत महिला सिपाही और एक पुरुष सिपाही घायल हुए थे। हरचंदपुर थाना क्षेत्र के कमंगलपुर गाँव की ये घटना है। तो थाना अध्यक्ष समेत तीन पुलिसकर्मी घायल हुए थे। हरचंदपुर थाना क्षेत्र के कमंगल
कानपुर से खबर, छेड़छाड़ का विरोध करने पर युवती से मारपीट हुई है। देर रात हुई वारदात में दो पक्ष आमने सामने। घटना स्थल पर पहुंचे बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाए हैं हिंदुओं को जबरन पलायन कराने का, गंभीर आरोप लगाया। तनाव को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। बता दें आपको, कन्नलगंज थाना इलाके का मामला है। ये कर्नलगंज क्षेत्र में रेल पटरी करके एक मोहल्ला है, जहाँ पर मात्र 10 हिंदू परिवार हैं और वहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यक है। इससे पिछले भी कई बार जो है उन परिवार पे दबाव बनाया गया कि वो छोड़ के भग जाएं, उनके साथ बदतमीजी की गई, अभद्रता की गई, जिसके लिए यहाँ जो पीड़ित परिवार है उसने आकर यहाँ थाने में एप्लीकेशन देने की कोशिश की, लेकिन थाना अध्यक्ष जी ने उनको वहाँ से वापस कर दिया। ये थाना कर्नलगंज के रलवैया कॉलोनी में दो पक्षों में आज मारपीट हुई है। अभी घटना स्थल का मौका मुआयना किया गया है। छोटे लोगों से बात होने के बाद तहरीर के आधार पे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, विवाद किस बात पे हुआ था? अभी उसकी पूछताछ की जा रही है। जो लोग चोटिल हैं उनसे भी बात नहीं हो पाई है। अगली खबर बुलंदशहर से है, जहां बुलंदशहर पुलिस की सराहनीय पहल देखने को मिली है। बता दें कि आर्मी जवान को काम से छुट्टी नहीं मिली तो बुलंदशहर पुलिस ने आर्मी जवान के घर पहुंचकर उनकी मासूम बेटी का जन्मदिन मनाया। मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली से आर्मी जवान के ससुर ने एसपी देहात से व्हाट्सएप के जरिए की थी अपनी नाती का जन्मदिन मनाने की गुजारिश। ससुर ने अपने आर्मी जवान दामाद को कोरोना महामारी में अवकाश नहीं मिलने का दिया था पुलिस अफसरों को हवाला। ककोल पुलिस जन्मदिन सेलिब्रेशन का सामान लेकर आर्मी जवान के घर पहुंची। पुलिस ने 2 साल की बच्ची का जन्मदिन मनाया और केक काटा। पुलिस के प्रयास में मासूम के चेहरे पर मुस्कान देखने को मिली। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।